अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब काफिर कौमें सारी तुम पर टूट पड़ेंगे। फरमाते हैं काफिर इस तरह मुसलमानों पर टूट कर गिरेंगे जिस तरह भूखा आदमी खाने पर गिरता है। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुसलमानों की तादाद उस वक्त कम होगी? हुजूर फरमाने लगे, नहीं, तुम तो सैलाब की झाग की तरह होगे, बहुत कसरत से मुसलमान होंगे। तो या रसूलल्लाह, इतने मुसलमान होंगे तो फिर काफिर हम पर क्यों टूट पड़ेंगे? तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुम्हारे दिलों में कमजोरी डाल दी जाएगी, कुफर का रोग तुम्हारे दिलों में बैठ जाएगा, तुम डरोगे। हजरत उमर का रोब कुफर के दिल में था, मौला अली का रोब कुफर के दिल में था, हजरत साद बिन अबी वकास का रोब कुफर के दिल में था, हजरत खालिद बिन वलीद की ललकार से कुफर डरता था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की आवाज से कुफर डरता था, सुल्तान महमूद गजनवी के नारे से कुफर परेशान होता था। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, हमें बताइए तो सही, वजह क्या बनेगी? तो हुजूर फरमाने लगे, वजह सिर्फ इतनी होगी कि तुम्हें दुनिया से प्यार हो जाएगा, मौत से नफरत हो जाएगी। क्यों? तुम सारा कुछ जीने के लिए करो, तुम्हें मरने से मोहब्बत नहीं रहेगी। हालांकि मोमिन कभी मौत से डरता